दिल में जाके लगी है बातें ना, तो कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो मैं सितारे से यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका खूनी रिश्ता है, आपकी बहन है, मैं शुरू से मना करती रही हूँ कि इस चीज़ को यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए था, ये मसले घर में हल होने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग को जुमा मुबारक हो। अभी आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आपने सितारा के ख़िलाफ़ वीडियो क्यों बनाई है, पहले बात को समझना है, उसके बाद आपने जो भी कहना हुआ कहना है। अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने वीडियो देखी है समीरा अज़ीज़ ऑफिशियल की, जो कि एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है और काफ़ी अर्से से काम कर रही है औरतों के लिए, और दो तीन वीडियो वो सितारा पे बना चुकी है, जबकि पहले सितारा के साथ जो मसला हुआ था उसमें भी वो खड़ी थी, सितारा के साथ हम सब खड़े थे, ऐसा कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सितारा ने, ये जो मेरा चैनल है जिस पे मैं अभी बैठ के बात कर रही हूँ, इस पे सितारा ने काफ़ी सपोर्ट की थी मेरी शुरू में, क्योंकि ये उसी की वजह से आप समझ लें चला था। पुराना चैनल मेरा हैक हुआ था, सितारा की सपोर्ट ही कर रही थी, तो ये वाला चैनल फिर उसने, मतलब कि ये जब बना था तो इसके बाद सितारा ने मुझे बुलाया कि मैं आपकी सपोर्ट करूँगी, तो ये उसका एहसान जो है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन अभी आप लोग गालियां भी देते रहे हैं, मेरी जो ऑडियंस है रिएक्शन वाले हैं, जितने जितनों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे रिएक्शन वालों के साथ, उन्होंने भी मुझे कहा कि आशा आप गलत कर रही हैं इंस्टा पे आके व्हाट्सएप पे आके, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, जब तक आप किसी को देखो ना, किसी को सुनो ना, तब तक नहीं कह सकते ऐसा कि सितारा ने गलत किया, सितारा ने गुनाह किया या सितारा ने गलती। ठीक है, मैं आराम से बात करूंगी, वीडियो हो सकता है लंबी हो और मेरे फेस के सामने से धूप आ रही है क्योंकि अंदर वीडियो सही नहीं बन रही थी, तो वो आप लोगों ने इग्नोर करना है इन चीज़ों को। तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक सितारा की सपोर्ट की बात थी, मैंने सितारा को सपोर्ट किया और करूँगी, लेकिन अब समीरा ने वीडियो डाली है, मुझे किसी पे यकीन नहीं था, मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी है बच्चों की, बच्चियों की, कि अल्लाह करे आपकी बच्चियाँ भी सितारा जैसी हुई वो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा उनको और मैं वीडियो बनाती रही। ठीक है, मैं सबसे लड़ी हूँ रिएक्शन वालों से भी, उनको भी साफ अल्फाज कहे हैं। तो बात यह है कि अभी जब समीरा जो एक जर्नलिस्ट है जो कि अपना काम पूरा वर्क करके फिर वो वीडियो बनाती है, फिर वो आके बात करती है, तो यहाँ उसने कुछ बातें की हैं और यहाँ इसने उसने असगर का प्रूफ, उसका वॉइस मैसेज या उसकी जो कॉल थी वो सुनवाई है कि उसने इस चीज़ का इतराफ़ किया है, हाँ जी कोई बात थी, तो तब मैं सितारा से ऐसे बात कर रहा था और मैं ही कर रहा था बात। और फिर उसके अलावा उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि सलमा को मारता भी है, ये भी है। तो देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि असगर पे केस होना चाहिए, असगर को जेल के अंदर जाना चाहिए। समीरा से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पे एक्शन लें अगर सलमा नहीं ले सकती तो। देखें, ऐसा औरत मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि मैं सितारा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अभी समीरा की जो वीडियो है वो पूरी देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे आके बात करनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी, अब मैं ये नहीं, आपने समझना है कि अभी सितारा के ख़िलाफ़ ये तो नमाज का कह रही है क्योंकि जुम्मे नमाज पढ़नी है, लेकिन इमरजेंसी में वीडियो बना रही हूँ मैं। जो उन्होंने बातें कही हैं सलमा की, वो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है कि उसका हस्बैंड उसको मारता रहा है और प्रेगनेंसी की हालत में उसके पाँव में राड़ भी है, उसकी किडनी में भी पेन होता है, तो बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुई है, दिल में जाके लगी हैं बातें ना। तो कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो मैं सितारे से यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका खूनी रिश्ता है, आपकी बहन है, मैं शुरू से मना करती रही हूँ कि इस चीज़ को यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए था, ये मसले घर में हल होने वाले थे तो घर में ही हल होने चाहिए थे, लेकिन कोई वजह होगी तब सलमा लेके आई होगी। अभी मैं आपसे यही कहूँगी कि सितारा से, कि सितारा आपकी बड़ी बहन है, आप कुछ चाहिए कि अगर अगर आपने गलती की है, अगर आपसे गलती हो गई है, ठीक है, जाने अनजाने में जैसे भी हुई है, तो आप जिस तरह सलमा कहती है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उसी तरह आके माफ़ी मांग लें, अपनी ऑडियंस से भी मांग लें, अल्लाह पाक भी माफ़ कर देगा। तो देखें, ये दुनिया, ये दौलत, ये पैसे, ये सब्सक्राइबर, ये व्यूज़, इन्होंने यहीं पर रह जाने। तो अब मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगी, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करती रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इस पॉइंट पे जहाँ पे अब कुछ चीज़ें खुल के सामने आई हैं, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे जब एक औरत के साथ अपनी बहन की तरफ से अगर ज़्यादती हुई है, तो इस पॉइंट में मैं आपके साथ नहीं हूँ। अभी मैं इस टॉपिक में
मैं सितारा की स्पोर्ट में अभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, सॉरी। मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी। ज़ाहिर है इंसान से गलती हो जाती है, साफियों से हो जाती है। काफ़ी मुझे गालियाँ पड़ी, लेकिन मैं अपने मौक़फ़ से नहीं हटी। मैंने कहा नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, अभी भी मैं यही कहती हूँ। लेकिन उस बंदे ने इतराफ़ किया है, तो ज़ाहिर है समीरा जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत कह रही होगी। तो बस यही कहूँगी कि जितनी रिएक्शन वाली मेरी बहनें हैं, जिनके खिलाफ़ मैंने सख्त वर्डिंग यूज़ की है, जिनका मेरी वजह से दिल दुख है, जिनके लिए मैंने बुरा भला कहा है, तो उनसे भी मैं सॉरी करती हूँ। जितनी भी रिएक्शन वाली हैं मैं मेंशन कर दूँगी नीचे सब चैनल्स को, तो आपने समझ जाना है कि मैंने आप सबसे माफ़ी मांगी है। और दूसरी बात ये है कि सारा से मैं फिर यही कहूँगी कि आप माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यही है कि आप लोगों का जो आके रिश्ते है वो बच जाए। देखिए, दुख की बात है कि अगर औरत प्रेग्नेंट होती है, उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देता, हम सब पे वो टाइम गुजरा हुआ है, ठीक है, हम सब पे वो टाइम गुजरा हुआ है, जितनी मेरी बहनें मैरिड हैं या जिनके बच्चे हैं। तो इस स्टेज पे तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है ना, एक्स्ट्रा वाइफ की केयर करने का। तो इस हालत में अगर असगर उसको मारता है, तो मैं कहती हूँ कि उससे बड़ा बेगैरत इंसान कोई नहीं है। अगर इस हालत में उस पर तशद्दुद करता है या इस हालत में उसको मारता है, ऐसे भी इस कंडीशन में आपको पता है औरत जो है साइकी हो जाती है इस कंडीशन में, ऐसे भी, तो उसके साथ अगर इतना बड़ा मसला हो गया, फिर तो इंतहाई दुख की बात है। और बस मैं यही कहूँगी कि सितारा से कि आप अगर ऐसा मसला हुआ है, अगर, तो आप प्लीज़ आके माफ़ी मांगने। आप अपनी बड़ी बहन है आपकी, आपका खूनी रिश्ता है, कोई मसला नहीं है, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपसे प्यार करेंगे। लेकिन आपने जो बहन का दिल, अगर आपकी वजह से, अगर अगर मैं कह रही हूँ, फिर भी मैं प्रूफ के साथ नहीं कह रही, अगर दुख है, लेकिन उस समीरा की बातें सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे सॉरी करनी चाहिए एटलीस्ट। मैं इंशाल्लाह आइंदा इस टॉपिक पे सारा की सपोर्ट में, इस पॉइंट में, इस काम में वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो बाकी जो चैनल का, आप लोग अभी नीचे फिर गालियाँ निकालेंगे, आप कहेंगे आपको उसने चैनल बना के दिया, उसने आपके चैनल को प्रमोट किया है, तो ये उसका एहसान है। उसने कहा था मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करती हूँ और अल्लाह पाक उसको इसका अजर देगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन जो ज़्यादती हुई है ना, वो हुई है, उस चीज़ पे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हुई है तो उस चीज़ पे सारा को माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी सबने दुआ में याद रखना है, और हो सके तो मुझे माफ़ करना है। जितनी भी मैंने कोई गलत आपको रिपोर्ट दिया है या गलत बयान दिया, उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। तो बस इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपनी बहन को दुआ में याद रखना है। अल्लाह पाक हम सबको दायदे बुराइयों से बचाए। ये दौलत, ये चीज़ें, ये यहीं रह जाती हैं, और हमने जाके मिट्टी में मिल जाना है। उस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो बाकी हाँ, अब जो आपने कहना है कह दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। बहन को दुआ में याद रखें। और हाँ जी, आप फिर ये भी कहेंगे आपके सब्सक्राइबर देखें कैसे उड़े हैं, कैसे कम हुए हैं, तो कोई मसला नहीं है, है अल्लाह पाक देने वाला है। अगर इधर से ना दिया तो कहीं और से, एक दर बंद तो 100 दर खुला। बहन को दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।